गाइस, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स को यूज़ किया जाता है अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, लाइक वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट्स, ओमेगा 3, मल्टीविटामिंस, BCAA, ग्लूटामाइन, EAA, इस तरह के सप्लीमेंट्स को, क्योंकि जो भी हम बैलेंस्ड डाइट इनटेक करते हैं उससे जो इंपॉर्टेंट विटामिंस एंड मिनरल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। सो जब इन सप्लीमेंट्स को हम अपनी डाइट के साथ ऐड करते हैं तो इससे हमारा जो रिकवरी प्रोसेस है, जो मसल की रिकवरी है, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे एक सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा जिसको आपने बहुत सारे जिम्स में यूज़ करते हुए भी देखो, बट मोस्ट ऑफ द जिम्स या मोस्ट ऑफ जो भी एथलीट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम है BCAA। सो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट एंड यूजेस के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिटनेस फ्रीक अरुण में। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज BCAA। गाइज, BCAA का पूरा नाम होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ये बेसिकली तीन असेंशियल अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन। बेसिकली हमारी बॉडी को तो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये तीन ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी मसल ग्रोथ एंड मसल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइस, ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। अमीनो एसिड्स को हमें हमारे जो फूड सोर्स या सप्लीमेंटेशन है उसके थ्रू ही इनटेक करना पड़ता है, तभी इसकी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो पाती है। गाइस, जब आप BCAA को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिकवरी प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब हम वर्कआउट करते हैं तो उससे जो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो कम होता है एंड मसल की ग्रोथ अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि BCAA की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। गाइस, एक नॉर्मल इंसान को एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो रीसेंट स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंग 5 से 12 ग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है एक नॉर्मल इंसान को, जो कि उसको अपने फूड से पूरी करनी होती है, किसी सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आप एथलीट हैं या किसी जिम में इंटेंस वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब आप हैवी वर्कआउट करते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे 5 से 12 ग्राम की जगह 10 से 20 ग्राम हो जाती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, किस तरह से अपने मसल्स के ऊपर लोड दे रहे हो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आइए अब बात करते हैं BCAA से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, इट हेल्प्स टू इंक्रीज मसल ग्रोथ। गाइज, BCAA के अंदर मिलने वाला अमीनो एसिड ल्यूसीन हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे हमारे मसल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। नंबर 2, मसल ऑप्टिमाइजेशन। गाइज, जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारे मसल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है। अब इस डैमेज को रिकवर करने के लिए गाइज हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है या एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइज, जब हम BCAA को इंटेक करते हैं तो ये हमारे मसल्स में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसकी रिकवरी को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मसल जल्दी रिपेयर हो जाता है। नंबर 3, इट डिक्रीज मसल सोरनेस। गाइज, जब भी हम मसल ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर पेन होता है, जो कि 24 से 48 घंटे तक नॉर्मली रहता ही है। सो गाइज, जब हम BCAA को इंटेक करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उस सोरनेस को कम कर देता है एंड रिकवरी प्रोसेस को फास्ट कर देता है। नंबर 4, इट हेल्प्स टू इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। गाइज, जब हम BCAA को इंटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ जो हमारा मेंटल फोकस है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है एंड इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर न्यू मसल फाइबर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मसल है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। नंबर 5, इट प्रिवेंट्स मसल लूज। गाइज, जब भी हम मसल ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारे मसल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब इस मसल्स की रिकवरी के लिए हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है,
सो BCAA के अंदर तीन बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने में एंड हमारे ओवरऑल जो मसल लॉस है उसको रिकवर करने में। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।